बहुत ही सम्मान के लोग आज से धरना के प्रधान वन विभाग मजदूर यूनियन जिला गुड़गांव के अध्यक्ष साथी मोहरपाल सचिव साथी दयाराम कोषाध्यक्ष साथी लालाराम और भाई नाम की सारे के सारे जुझारू लड़ाक का साथियों बहनों भाइयों, मैं अपनी ओर से गुड़गावा के तमाम मजदूरों की ओर से CITU की ओर से आपके इस धरने का क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूँ। हमें संघर्ष करने का कोई पहला मौका नहीं है ये, और आपकी भी कोई ये परीक्षा नहीं है। आप तो डिग्री ले चुके हो, हमेशा ही हमेशा संघर्ष में आगे रहे हो। CITU को फख्र है आपके ऊपर बहुत ही विश्वास है। लेकिन जो हमारी सालों साल की एक मांग है वो आज भी गुड़गावा के मजदूरों के साथ जो न्याय नहीं हुआ, यहाँ पर जो DFO आए वो हमारे को बांट करके हमारे बीच में खाई पैदा करके हमारे को अपने हक से दूर रखे हुए रहे, लेकिन CITU ने दोबारा से आपकी स्टेट में बात करके जितने भी मुकदमे पूरे हरियाणा भर के थे उन सब का एक रिव्यू किया और उसके बाद यही निर्णय आया कि हम इन कोर्ट कचहरी के बाहर अपनी लड़ाई को दरी से और गेट से और झंडे बैनर के साथ जिंदाबाद मुर्दाबाद से लड़ेंगे। इसी से हम जीत हासिल करेंगे। आपने ये जो शुरुआत अब की है, अगला जो भी कदम आपकी यूनियन की ओर से लिया जाएगा, हम गुड़गांव में CITU की ओर से आपके कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ करके भाग लेंगे। जितनी भी मांग आपने रखी है CITU पहले भी आपके साथ रही है, और चाहे वो फॉरेस्ट अफसर के लेवल की हो, चाहे वो जिला फॉरेस्ट अफसर के लेवल की हो, चाहे वो कंजर्वेटर की हो और चाहे वो सरकार की हो, इस बार की पहाड़ेबंदी में हम गुड़गांव के नाम को आगे रखेंगे, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। हम सरकार को भी चेतावनी देना चाहते हैं, ये फॉरेस्ट का दफ्तर, इसकी अहमियत को समझो। ये जो आज हरियाणा सरकार ने स्कूलों की आज छुट्टी करनी पड़ी है, क्या कारण है सरकार ने आज स्कूलों की छुट्टी करनी पड़ी? पोल्यूशन कंट्रोल नहीं हुआ सरकार से, और पोल्यूशन इतना ज़्यादा है के बच्चे बीमार हो रहे हैं, सरकार के पास दवाई नहीं है, पोल्यूशन कंट्रोल करने की कोई योजना नहीं है। इसके चलते सरकार ने स्वीकार किया, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने आज अखबार में बयान दिया कि हमारे बस का पोल्यूशन कंट्रोल नहीं है, इसलिए स्कूलों की छुट्टी की है। हम कहना चाहते हैं कि ये जो पोल्यूशन की बीमारी है ये सरकारों के द्वारा पैदा की गई है।
हमने सालों साल से नहरों के किनारे, सड़कों के किनारे, स्कूलों की दीवारों के किनारे और जहाँ भी जगह खाली मिली हमने वहाँ पेड़ लगाए थे और उन पेड़ों ने ये पोल्यूशन को ख़त्म किया था। सरकारों ने इसको माना था, लेकिन अब सरकारों ने अपनी नीतियों में बदलाव किया। सरकार अब पूंजीपतियों की कैद में है। सरकार ने इसी रोड पे, क्योंकि यहाँ मुख्यमंत्री आते हैं सामने की बिल्डिंग में और उनको सांस लेने में दिक्कत होती है, ये जो हरे हरे डब्बे सड़क के बीच में लगाए हुए हैं ना, ये पोल्यूशन को कंट्रोल करने की मशीन है। सरकार इन मशीन बनाने वाली कंपनियों के चंगुल में है। हम कहना चाहते हैं सरकार इन मशीनों को लगाकर पोल्यूशन को खत्म नहीं कर सकती। एक ही रास्ता है और वो रास्ता है ये जो मशीन, ये जो इंसान रूपी मशीन जो धरी पे बैठा रखी है, इनके हाथ को मजबूत करेंगे आप, इनकी बात को सुनेंगे आप तो मशीन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये इलाज है, आखिरी इलाज है। इसलिए मुख्यमंत्री जी से ये मांग करते हुए कि वन विभाग के लिए नीतिगत बदलाव की जरूरत है, हरियाणा के मजदूरों से बात करके जंगलात का जो महकमा है उसको पुनर्जीवित करने की ज़रूरत है, और इस काम में जितनी देरी करोगे उतना ही आने वाली पीढ़ियों के सामने आप दोषी होंगे। जैसे आज आपने स्कूल के बच्चों को पोल्यूशन के नाम पर स्कूल में जाने से मना करना पड़ा है, वो बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो जानते नहीं पोल्यूशन क्या बीमारी है, लेकिन आज वो घर में कैद होकर रह गए। वो बड़े होंगे और आगे भी हमारी संतानें होंगी, वो सवाल करेंगी कि हमारे देश में ऐसे लोगों ने राज क्यों किया जो हमारे को जिंदा रहने के लिए न्यूनतम ज़रूरत हवा, जिसको आदमी किसी कारखाने में बना भी नहीं सकता, वो पेड़ों से होती है और उन पेड़ों को काट करके सड़कों का जाल बिछा करके ऐसी नीतियों को क्यों बनाया जिसमें हमारी जान की बाजी लगी। ये सवाल हमारे सामने, आने वाली पीढ़ियों के सामने हम खड़ा कर रहे हैं। इसलिए वन विभाग मजदूर यूनियन का एक एक साथी आने वाली पीढ़ियों का दोषी नहीं होगा, और वो धरी पे आवाज़ को बुलंद करता है कि पोल्यूशन की बीमारी को ख़त्म अगर करना है तो फॉरेस्ट के अंदर मजदूरों की पक्की भर्ती करो, पक्की भर्ती के साथ ही पेड़ों को लगाने की खाली कागजी खाना पूर्ति नहीं बल्कि ठोस नीतिगत आधार पर एक नया वन खड़ा करना पड़ेगा जो आने वाली पीढ़ियों को साफ हवा देगा और हमें इस अपराध से भी मुक्ति दिलाएगा कि हमने उनके लिए कुछ सोचा नहीं, हमने उनके लिए कुछ किया नहीं। ये बात कहते हुए आपके इस आंदोलन को एक बार फिर अपनी ओर से, गुड़गांव की मजदूर बिरादरी की ओर से, CITU की ओर से लाल सलाम पेश करते हुए, आपने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। ये खबर देख रहे हैं आप OSS इंडिया न्यूज नेटवर्क के माध्यम से। सर नमस्कार, ये बोलो। सर नमस्कार। नमस्कार जी, मैं वन विभाग मजदूर यूनियन का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मोरपाल बोल रहा हूँ जी। सर आज ये तो धरना है, किस विषय को लेके है, किस सरकार वन विभाग में हम 35 साल से विभाग में काम कर रहे हैं, इस सरकार की तानाशाही के कारण इन्होंने विभाग ने हमको निकाल दिया। 7-7-8 महीने की हमारी बकाया पेमेंट मजदूरी है वो नहीं दिया है आज तक, और ESI PF ये मिल बांट के खा रहे हैं, ना कि हमारे खातों में जमा कर रहे हैं, और नियमित की बात तो छोड़ो, हमको कार्य से निकाल दिया इन्होंने। हम बुजुर्ग आदमी हो गए विभाग को खड़े करते, विभाग को पेड़ पौधे हमने जितने हरे भरा करा सारे जंगल के जंगल इन्हें खाली कर दिए, बेच कर खा गए विभाग को। और जी क्या नाम है, हाजी कार्ड, हम कहते हैं हमारा पहचान पत्र बनाओ, पहचान पत्र का कोई उनका ब्यूरो नहीं है, जबकि PPC से मैं मांग मंगवाए के लेकर आए अब वे पहचान पत्र बनाया जाए, हाजी कार्ड दिए जाए मजदूर को, EPF की सुविधा दी जाए।
नॉर्मल के हिसाब से काम लिया जाए, मिनी वेजेस का भुगतान शीघ्र से शीघ्र हर महीने किया जाए, बढ़ोतरी की जाए मजदूरों से, परंतु यहाँ पर इतना घोटाला, यहाँ कोई कार्रवाई नहीं है। हम दिन पर दिन हर महीने एक दो बार प्रदर्शन करते हैं, डीसी को विज्ञापन भी देते हैं और सभी संगठनों में अपनी आवाज़ उठाते हैं और पीपीसी में सख्त आदेश दिए हैं, अक्सारी मांगे लागू करो, परंतु इन्होंने कोई मांगे हमारे हाथ लागू नहीं। धन्यवाद सर, आपने अपने जीवन पूरा जीवन वन विभाग में बिताया है और उसके बावजूद भी आपको ये जो मायूसी जो धरने पर आना पड़ रहा है, तो एक बार आप बताइए। देखो हमारी उम्र बीत गई, हमें इसी महकमे में पेड़ लगाए और हर रोड पे हर नहर नाले पे हमारी उम्र बीत गई और अब तो बुढ़ापा है। आज तक हम इन्होंने परमानेंट नहीं करे, आज तक परमानेंट की दूर की बात है, हमारी कमाई हुई दाढ़ी बना दी इन्होंने। ना एरियल की सुविधा है, ना कोई दवाई की सुविधा है, ना एएफआई की एसआई की है, ना हमारा एरियल दिया जा रहा, सारे कुछ हम तो बिल्कुल निथिन कर दिए इन्हें, घर से बाहर कर तो बच्चे भी हमारे नौकर हैं। अपना जीवन तो आपने इसको कम भी आपको दिया, आप तो बुजुर्ग हो गए हैं, आप और क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं। धन्यवाद सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? यही बोल दिया जो सर। धन्यवाद सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? तो आज ये आप इंडिया न्यूज नेटवर्क ओएसएस इंडिया न्यूज नेटवर्क के माध्यम से ये खबर देख रहे हैं और इन भाइयों की जो तकलीफ है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे से आगे बढ़ाएं ताकि ये खबर सरकार तक पहुंच सके, सरकार इसको इनकी मांगों को पूरा करे। धन्यवाद।